हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केकरी एडिक्शन। सो आज हम ये ओटीजी के जो स्विचेज हैं और ओटीजी के अंदर कौन से बर्तन आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए बात करेंगे। मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ओटीजी की फंक्शनिंग, ओटीजी का अनबॉक्सिंग, ये सब मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक अपलोड कर दूँ, लिंक डाल दूँगा। मैंने इन सब का एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है, बट स्टिल आई बी मेकिंग, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट है तो मुझे वो माननी ही माननी है। एनी हाउ, सो यहाँ पे जो ये तीन बटन्स होते हैं ओटीजी को बेसिकली आप तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो और तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका ओटीजी 40 लीटर से बड़ा है, से अराउंड 60 लीटर, 65, 80 लीटर्स, तो उसमें तीन की जगह चार नॉब्स होंगे। चौथा नॉब विल बी फॉर फैन फंक्शन, क्योंकि जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो मतलब उसके फंक्शंस बढ़ते हैं। Why I choose reconnect? क्योंकि reconnect के ओवन मेरे को सस्ता मिला, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और अच्छी बात, झूठ क्यों बोलना, सस्ता मिला तो सस्ता मिला। और इसके अंदर मुझे जो बड़े बड़े 15,000 वाले ओवन में फंक्शन है वो सब मुझे इसमें मिले, एंड मुझे वो कम्प्लीटली बहुत अच्छी चीज़ लगी। सो तीन बटन हैं। फर्स्ट बटन देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, जो हमारी रेसिपीज बनती है वो डिग्रीज में, डिग्री सेल्सियस में बनती है। वही आप कोई इंटरनेशनल रेसिपी देखोगे तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट दिखाएंगे, फिर आप अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हो फ़ारेनहाइट को डिग्रीज में। नेक्स्ट इज फंक्शन, फंक्शन आपको डिपेंड करता है वो मैं हम धीरे धीरे जब भी हम नॉब्स पे बात करेंगे तभी। और टाइमर, टाइमर के लिए तो आप सबको पता है कि टाइमर क्या होता है, टाइमर यानी कि टाइम देना। टेम्परेचर बटन आपको क्या चूज करना है, टेम्परेचर आपकी रेसिपी कितना बोल रही है। मोस्ट ऑफ द रेसिपीज बोलती हैं 180, 190, 160, 200, उससे नीचे कोई नहीं रेसिपी बोलती है। बट स्टिल अगर आपका ओवन ज़्यादा हीट कर रहा है कभी भी, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप 10-10 डिग्रीज नीचे आ जाएं। अभी इन केस मुझे रेसिपी बोल रही है 160 डिग्रीज पे मेरे को ओवन को प्री हीट करना है, 180 डिग्रीज कंसिडर करते हैं। हमारे जो सारे केक्स होते हैं, स्पॉन्ज केक्स होते हैं, ब्राउनीज होती है, ये सब बेक होता है 180 डिग्रीज पे। सो ये देखो, आई ट्राई टू शो इट क्लियरली। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा नॉब, नॉब के आगे ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर को आप ऐसे घुमाओगे ना, देखो ये पॉइंटर घुमा कि 90 पे आया, मतलब ये 90 डिग्रीज पे। अभी हमको 180 सेट करना है ना, तो यहाँ पे 180 का ऑप्शन बहुत सारे ओवन में नहीं मिलता है, यहाँ पे 190 है, हम इसको घुमा के 190 पे ले लेंगे। पहले ये 190 पे ले लिया, देखो 190 पे ले लिया, हल्का सा उससे ऊपर कर दो, दिस इज योर 160 डिग्री, 180 डिग्रीज का टेम्परेचर, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको ये सिंगल लाइन दिख रही है जो कि ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि जो आपका ये ऊपर वाला कॉयल है, दिस कॉयल सिर्फ ये काम करेगा, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा। सेकेंड है सिर्फ नीचे वाला लाइन, तो आपकी सिर्फ ये वाली कॉइल काम करेगी, ये वाली कॉइल काम नहीं करेगी। थर्ड है ऊपर नीचे दोनों, तो यानी कि ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगी। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे दोनों कॉइल्स के बीच में फैन। अभी इसके अंदर एक फैन का ऑप्शन है, वो फैन यहाँ पे अंदर होता है जो दोनों कॉइल्स ऑन करके पूरे ओवन में गर्म हवा सर्कुलेट करता है, जैसे कन्वेक्शन ओवन होता है वैसे। और लास्ट है ये देखो, ऊपर वाली कॉइल, फैन और ये स्टिक, स्टिक का मतलब रोटेसरी होता है, रोटेसरी यहाँ ये दो हुक्स में लगता है, इन दोनों हुक्स में लग के वो आपका चिकन पकाता है, मोस्टली फॉर इट्स फॉर चिकन लवर्स और चिकन, होल चिकन को कुक करने के लिए। सो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, चलो फंक्शनिंग की बात करते हैं ना। ऊपर वाला कॉइल सिर्फ आपको जब भी कलर देना है किसी चीज पे तभी काम आता है, 90-95% ऑफ टाइम आपको छोड़िए नीचे वाला कॉइल ही ऑन करना है। दिस गोज फॉर केक्स, स्पॉन्ज केक्स, टी टाइम केक्स वगैरह, जो भी आपको कॉइल एलिमेंट बोला हो आपको यहाँ पे लोअर कॉइल ही ऑन रखना है। ये ऊपर नीचे वाला कॉइल कुकीज में, ब्रेड्स में, ब्राउनीज में, इसमें पफ पेस्ट्री में काम आता है। मोस्टली आपको ये दो कॉइल्स का फंक्शन ही आएगा, इनका इतना ज़्यादा यूज नहीं होगा, दिस वन एंड दिस वन। अभी लास्ट टाइमर देखो, मैंने इसको चलो सेट भी कर लिया और इसका टेम्परेचर भी लगा दिया, बट ये ऑन तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको टाइमर नहीं लगाऊंगा।
सो ये टाइमर है, ये देखो ये टाइमर लगाया और अंदर देखो बल्ब चालू हो गया। सो दिस इज द वे टू स्टार्ट योर ओवन। सेकेंडली, अगर आपकी रेसिपी बोल रही है आपको प्री हीट करना है अपने ओवन को, उस टाइम पे आपको प्री हीट उसी टेम्परेचर में करना है जिस टेम्परेचर में आपको आपकी रेसिपी को कुक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेसिपी को, मुझे मेरा स्पॉन्ज केक बेक करना है 180 डिग्रीज पे, और मैं बोलूँगा मैं 180 डिग्रीज की जगह 200 पे इसको गर्म करूँगा तो मेरा ओवन बहुत जल्दी और अच्छा गर्म हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। 160 या 180 जितना आपका टेम्परेचर उतना रखो, लोअर कॉइल सिलेक्शन करो, टाइम डालो 30-40 मिनट्स। अगर 40 मिनट्स, अगर आपके केक को 30 मिनट्स लगते हैं तो 40 मिनट्स का टाइमर डालो। 30 मिनट्स कोई भी केक को बेक होने में लगते हैं, 10 मिनट आपका ओवन है वो प्री हीट होगा। ठीक है, मैं इसको स्विच ऑफ कर देता हूँ पीछे से, क्योंकि ये गर्म हो रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करने में वो हो जाएगा, मिस्टेक हो। सो मैंने इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर दिया है। आई वाज ऑन टेम्परेचर वाला पॉइंट, आपको टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रखना है। अगर आप 180 पे बेक कर रहे हो तो आपको 180 रखना है, 200 पे प्री हीट किया, 180 पे बेक किया, इससे आपके केक्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे इसके सिलेक्शंस की। मैंने ये रियलाइज़ किया इसमें चार लेवल्स हैं, अगर आप गौर से देखोगे ना, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है। आई शो यू अगेन, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है। अभी मैं दिखाता हूँ चारों लेवल्स पे आपको ट्रेस कैसे इंसर्ट करने हैं। ठीक है, जो ये बड़ा सा बेकिंग ट्रे आता है, मैं आपको वो इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। सो इन केस आपको सिर्फ कलर देना है किसी चीज़ को, सो आप इसको ऐसे प्लेस करो, ये देखो ये इतना ऊपर चला जाता है, अपर वाली कॉइल के एकदम थोड़े से डिस्टेंस पे होता है तो कलर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये देखो ये सेकेंड लेवल है जी, यहाँ पे जब आपको माइल्डली कलर देना है तभी आपको यूज करना है ये वाला लेवल। दिस इज द स्टैंडर्ड पोजीशन जहाँ पे आपको आपका ट्रे रखना है, जहाँ पे आपके ब्रेड्स बेक होंगे, जहाँ पे आपके स्पॉन्ज केक बेक होंगे, जहाँ पे आपकी ब्राउनीज, द एंटायर थिंग्स आर गोइंग टू बेक्ड इन दिस लेवल विच इज थर्ड वन। ठीक है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वाला लेवल। आपने देखा चार लेवल्स कैसे हैं इसमें। अभी मैं आपको ना यहाँ पे और एक चीज दिखाता हूँ, दिस वन हैज अ क्रम ट्रे। मैंने आपको पहले भी बोला था इस चीज को आप लाइन करके रखो ताकि अगर ये खराब हो इन फ्यूचर तो ये हमेशा आपका सेफ रहे। ठीक है, कमिंग टू बर्तन, आप कौन से यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एल्यूमिनियम बिंदास, इसके अंदर कोई भी बर्तन यूज करो, मेटल चलता है इसके अंदर, OTG इज मेंट फॉर मेटल। प्लास्टिक गलती से भी मत यूज करना, प्लास्टिक गल जाएगा। यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एल्यूमिनियम टिन्स। सिलिकन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, आप यूज करो, लेकिन जब आप इसको लोगे रखोगे तो वो ऐसे टिल हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन भी आप यूज कर सकते हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का स्टील जो थोड़ा मोटा हो, थिक बॉटम वाला जो बहुत मोटा हो, यू कैन यूज दैट स्टील ऑल्सो। बोरोसिल भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो इसके अंदर। सो इन केस आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मेरे से पूछें कि आपको कौन स्टिल क्या डाउट है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, आई विल बी ग्लैड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।